पटवारी का रिज़ल्ट आ गया है। आपने अभी जिन बच्चों ने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा हो वो अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। आप गूगल पर जाएं सबसे पहले, और गूगल पर जाने के बाद आपको PEB टाइप करना है और अब एंटर दबा दें। ऐसा करने पर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आपके सामने सबसे ऊपर दिखाई देगा। इसकी पूरी वेबसाइट है PEB.MP.GOV.IN। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर ये वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन अभी चूंकि रिज़ल्ट आया है काफ़ी लोग एक साथ रिज़ल्ट अपना ओपन कर रहे होंगे, इसलिए सर्वर डाउन होने के कारण आपको रिज़ल्ट देखने में थोड़ी परेशानी आएगी। थोड़ा मुश्किल से अपने रिज़ल्ट को देख पाएंगे, लेकिन आप बार बार मेहनत करेंगे और बार बार ऐसा ट्राई करते रहेंगे और कीबोर्ड से F5 की बार बार प्रेस करते रहें तो हो सकता है कि आप रिज़ल्ट को देख लेंगे। थोड़ा सा परेशानी रिज़ल्ट को देखने में आएगी, लेकिन आप उस रिज़ल्ट को देख पाएंगे। तो आप लोग अपना रिज़ल्ट आराम से देख लें, बाकी कल अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा जल्दी रिज़ल्ट को देख पाएँ, क्योंकि आज काफ़ी लोग रिज़ल्ट को देखेंगे। और उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें और अपनी कैटेगरी लिख दें और कितने आपके नंबर पर सिलेक्शन हुआ है ये भी आप लिख दें। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी लिख सकते हैं कि कितने मार्क्स आए और सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। इससे पता लग जाएगा कि सब बच्चों को कि कितने नंबर आने पर सिलेक्शन हो रहा है, कितने नंबर आने पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जनरल का कितने नंबर पर हो रहा है और OBC का कितने और ST का कितने, ये सब जानकारी बच्चों को मिल जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अपना रिज़ल्ट देखते रहें, मेहनत करते रहें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने बच्चों का सिलेक्शन हो सका हो गया हो, लेकिन जो अभी जो लिस्टें कुछ सामने आई हैं, कुछ बच्चों की जानकारी मिली उससे पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर जिन बच्चों के आए हैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जनरल वाले बच्चों का सिलेक्शन 84 से ऊपर में हो पाया है, 84 से नीचे में अब देखते हैं। किसी और बच्चे का ऐसा मैसेज आता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ हो तो अपन को जानकारी मिलेगी, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ताकि जानकारी क्लियर होती रहे।